नमो नमः। मेरी बहन सुभद्रा के लिए तुमने जो त्याग किया है उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी आपके मुख पर मुस्कान है। 13 वर्ष पूर्व अर्जुन ने हमें स्वयंवर में जीता था, किंतु उसके पश्चात आज हमारा दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। संध्या समय से सुभद्रा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, मुझे उसके भवन लौट जाना होगा। क्षमा चाहता हूं, तुम यहां मेरी प्रतीक्षा में बैठी हो, किंतु मुझे सुभद्रा के भवन में रात्रि गुजारनी होगी। एवं मुझे ज्ञात है यह तुम्हारे लिए कष्टप्रद होगा। ऐसा ही कष्ट मुझे तब होता था जब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता था एवं तुम विवाह के नियम अनुसार भ्राता युधिष्ठिर के कक्ष में चली जाती। यद्यपि मुझे ज्ञात था कि तुम केवल मेरी नहीं हो, 5 पांडवों की पत्नी हो, किंतु कष्ट तो होता था। तो आप मुझसे प्रतिशोध ले रहे हैं, एवं हमारा दोष क्या है? आपने ही धर्मराज के साथ निर्णय किया था कि हमारा विवाह 5 पांडव से होगा। जो भाग्य में था वो हो गया, किंतु द्रौपदी जितना मुझ पर तुम्हारा अधिकार है उतना ही सुभद्रा का भी अधिकार है। आ, 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 आ,
आ गया है द्रौपदी। यदि सुभद्रा अस्वस्थ है तो आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आप मोहिनी से संदेश भिजवा देते। मैंने सोचा प्रत्यक्ष प्रस्तुत होकर तुमसे बात करता हूं। आप शीघ्र जाइए, सुभद्रा अस्वस्थ है, आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हें दुख तो नहीं होगा? हमें सुभद्रा के लिए दुख हो रहा है। नई नवेली घर में आई है एवं बिचारी अस्वस्थ हो गई। आप चलिए, हम राजवैद्य को लेकर आते हैं। तुम कष्ट ना करो, सुभद्रा की अस्वस्थता इतनी भी गहरी नहीं है। केवल मैं उसके पास रहूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। हमने सुना था कि कल रात्रि तुम अस्वस्थ थी। मैं तो पूर्णतः अस्वस्थ हूं। ये देखिए, तुम कष्ट ना करो, सुभद्रा की अस्वस्थता इतनी भी गहरी नहीं है। केवल मैं उसके पास रहूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें दुख तो नहीं होगा? हमें कोई दुख नहीं। आप सुभद्रा के पास जाइए, वो बेचारी विचलित हो रही हो। जाइए।
द्रौपदी, मैंने सुना सुभद्रा अस्वस्थ है एवं अर्जुन कल रात्रि उसके कक्ष में चले गए। एक बात कहूं द्रौपदी? हाँ कहो। सुभद्रा की अस्वस्थता केवल एक बहाना है। मैंने स्वयं कल संध्या समय सुभद्रा को स्वस्थ देखा है। ये क्या व्यर्थ बात कर रही हूं मोहिनी? अर्जुन हमसे मिथ्या क्यों कहेंगे? द्रौपदी दे दे। दीदी ये पुष्प मैं अभी अभी आपके लिए वाटिका से लेकर आ रही हूं। धन्यवाद। आओ विराजू। हमें प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा ताप शीघ्र उतर गया। ताप? किसका ताप? हमने सुना था कि कल रात्रि तुम अस्वस्थ थी। आपसे किसने कहा दीदी? मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। ये देखिए, द्रौपदी पुत्री क्या हुआ? मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। ये देखिए, किसने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं?
वो मैंने कहा। आपने? राजभवन की परिचारिकाएं आपस में वार्ता कर रही। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि आप अस्वस्थ हैं। अवश्य परिचारिकाओं को कोई भ्रम हुआ होगा, मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूँ। एवं कल रात्रि तो मैं शीघ्र निद्रा को चली गई थी। शीघ्र? तुम शीघ्र निद्रा को चली गई? हाँ दीदी, निद्रा मेरी सबसे उत्तम सखी है। कल संध्या समय पश्चात जो मैं शीघ्र निद्रा को गई, सीधे आज प्रातः काल को उठी हूँ। छोटी वधू, क्या आप अर्जुन के साथ वार्ता नहीं करती? आप निद्रा को चली गई। बेचारे अर्जुन, पूरी रात्रि आपको निहारते रहे होंगे। अर्जुन? अर्जुन तो कल रात्रि मेरे कक्ष में नहीं थे। अर्जुन आपके कक्ष में नहीं थे, अर्थात? अर्थात ये कि कल दीदी और अर्जुन का दाम्पत्य वश आरंभ हुआ है, अतः अर्जुन कल दीदी के साथ ही थे। कल रात्रि तो मैं अपने कक्ष में अकेली थी। दीदी चलिए ना, माता को प्रातःकाल का प्रणाम करके आते हैं। भाग्यवती भवा, अर्जुन हमारे कक्ष में नहीं थे, सुभद्रा के कक्ष में भी नहीं थे, तो गए कहां? क्या उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं? क्यों किया उन्होंने ऐसा? द्रौपदी पुत्री, क्या हुआ? कुछ नहीं माता। सौभाग्यवती भव, तुम माता के साथ वार्ता करो, हम अभी आते। आओ। कितनी लज्जा की बात, अर्जुन को हमारा सानिध्य पसंद नहीं। यदि ये बात राजभवन में सबको ज्ञात हो जाए
तो लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे? क्यों कर रहे हैं अर्जुन हमारे साथ ऐसा? हमारा दोष क्या है? सुभद्रा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, मुझे उसके भवन लौट जाना होगा। अर्जुन, अर्जुन तो कल रात्रि मेरे कक्ष में नहीं थे। अस्वस्थता गंभीर नहीं है एवं ना ही गहरी है, ये बात स्वयं सखा अर्जुन ने तुमसे कही। इसके पश्चात भी तुमने उन्हें रोकने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमारी इच्छा है कि आप कुछ दिन सुभद्रा के साथ प्रवास कीजिए। वो नव नवेली वधु है, आपका उसके साथ रहना ही उचित होगा। वैसे भी हमारा स्वास्थ्य आज उत्तम नहीं है, हम विश्राम करना चाहते हैं।